रात को देर से आते। और फिर माँ का आशीर्वाद जिस बेटे के साथ हो। देखो शंकर जो बक्से लाया है उसे गाड़ी में रखकर मनोरी ले जाओ। शंकर इस लाश को ठिकाने लगा दो। कौन था वो? होगा कोई। जाओगे एक सेठ दिल्ली से मुंबई आ रहा है, ट्रेन के फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में तुम्हारी इससे मुलाकात होगी। यह तुम्हारा टिकट और ये रहा उस सेट का फोटोग्राफ, अच्छी तरह देखना। सेठ जी जरा ये पांव तो उठाइए। वाह 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 वाह। सेठ जी वो रात को मुझे शेव करने की आदत है ना। क्या कहते हैं ब्लेडें अच्छी मिलती नहीं, इसलिए मैं उस तरह से शेव करता हूँ। बड़ी करो नहीं करो नहीं उस तरह देख कर डर गए सेठ जी। हाँ सेठ जी ये आप ही के साथ हैं? बड़े मेरे साथ कहाँ सेठ किया, मैं मेरे साथ हूँ। उस तरह तो ऐसे निकाला था। बड़ी मेरा तो जान ही निकल गया था सेठिया, सूरत से तो अच्छा आदमी लगता है। अजी सूरत पे ना जाइए सेठ जी, आजकल के जेब कतरे भी बहुत अच्छे सूट बूट पहनते हैं। एक दफा मैं सफर कर रहा था, फिर उसने अपनी जेब से इस तरह पाउडर निकाला और उस पाउडर को बिल्कुल मेरे मुंह के सामने लाकर उसने ऐसा यूं मोड़ा दिया। फिर उसने इसी तरीके से बिल्कुल फेंक दिया। अच्छा सुनो, जब तुम गाड़ी में बैठ रही थी तो किसी सेठ को गाड़ी से उतरते हुए देखा है? नहीं नहीं। देखो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है, हमें किसी गुंडे को पकड़वाने में पुलिस की मदद करनी चाहिए। अगले स्टेशन पर उतर के इसकी रिपोर्ट लिखवा देंगे ना। नहीं। क्या नहीं ले रखा है? क्यों नहीं? वो लोग मेरा नाम। तो क्या तुम भाग कर आई हो? माँ बाप नहीं,
सिर्फ एक मामा है, ये लेकर मेरी शादी एक बुढ़े के साथ कराना चाहते थे, इसीलिए मैं भाग कर आई। बड़ी साईं, बड़ी छोकरी, तुम डरो नहीं, तुम भूत नहीं, बड़ी आदमी है। सेठ जी, आप वहाँ कैसे पहुँच गए? बड़ी हमको खुद मालूम नहीं, हम इधर कैसे आ गया। बड़ी साईं, बड़ी बदमाश किधर गया? बड़ी हमको लूट के ले गया, 15 लाख के हीरे। बहुत बहुत शुक्रिया। सुनो, तुम कहाँ जा रही हो? मैं खुद भी नहीं जानती मैं कहाँ जा रही हूँ। भगवान के भरोसे पे घर छोड़कर आई थी, वही रास्ता दिखाएंगे। ऐसा करो, तुम मेरे साथ चलो। कहाँ? मेरे घर पे, मेरी माँ है, मेरे भाई साहब हैं, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। हाँ, चलो। बड़ी साईं, बड़ी तुम इधर होता, बड़ी हम तुमको उधर दबाता था। क्या बात है सेठ जी? बड़ी हमारे साथ चलो, नहीं पुलिस स्टेशन साक्षी के वास्ते। बड़ी 15 लाख का सवाल है, 15 लाख। तुम ऐसा करो, तुम बाहर मेरा इंतजार करो, वहां मेरा ड्राइवर भी आता होगा, मैं इनका काम करके भी आता हूँ। चलिए चलो। अच्छा, जाता हूँ। हरिओम हरिओम हरिओम। साहब ने कहा है आप गाड़ी में चलकर बैठिए। कहाँ है? वो सामने मोड़ पर है। आइए आइए मेरे साथ, आइए आइए। साहब को आने दो। वो साहब तो आ जाएंगे, आप बैठिए। तो क्या मतलब? मतलब सब समझ में आएगा, आप बैठिए। तो और चलो बैठो। अरे छोड़ छोड़। क्या बात है, ये लड़की कौन है? क्या बात है बहन? मैं गाँव से आई हूँ बाबूजी, अकेली हूँ, यहाँ मेरा कोई नहीं है। ये गुंडा मुझे जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठाना चाहता है। क्यों बे, कहाँ ले जा रहे थे इसे? देखो श्रीमान जी, हमारे बीच में आने की कोशिश मत करो, वरना 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 क्या करोगे? बुलाओ पुलिस को। पुलिस? पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं। आइए बहन, आइए। जब आपका यहाँ कोई नहीं था तो यहाँ आने की क्या जरूरत थी? गांव में भी तो मेरा कोई नहीं है। साधु राम जी, इनको अनाथ आश्रम में पहुंचा देना चाहिए। अनाथ आश्रम? बहन जी, यहाँ एक अनाथ आश्रम है, जिन औरतों का कोई नहीं होता वो सब वहाँ रहती है, उन्हें हर किस्म के काम सिखाए जाते हैं, पढ़ाया जाता है। चलिए हम आपको वहाँ छोड़ते हैं, आइए आइए। डरने की कोई बात नहीं, आइए बहन। सलाम साहब, माफ करना जरा देर हो गई। हाँ तो विजय, जो ही तुम शेव करके निकले तो गुंडा तुम्हें मिला और तुम उससे उलझ गए। फिर क्या हुआ? होना क्या था? तो फिर अच्छी खासी मदद की लड़ाई हो गई है ना। फिर क्या हुआ? तुम तो इस तरह पूछ रहे हो मदन जैसे तुम्हारा छोटा भाई बहुत बड़ा कारनामा करके आया। गुंडे बदमाशों से क्या मारपीट करनी चाहिए? नहीं माँ, गुंडे बदमाश किसी का माल लेकर चंपत हो जाए और खड़े होकर तमाशा देखना चाहिए। विजय, माँ के सामने नहीं बोलना चाहिए, और फिर गुंडे बदमाशों से उलझना शरीफ आदमियों का काम नहीं है। ठीक है तो है बाबूजी, गुंडा बदमाश ही कोनो दया धर्म थोड़े होते हैं। अरे भगवान न करे कहीं इनका हाथ मां। पानी लाओ। आखिर नतीजा क्या निकला? नतीजा क्या निकलना था भाई साहब, वो आदमी लंबी चौड़ी डील डाल का था, पड़ा उसी का भारी पड़ा। उसने मुझे बेहोश करके टॉयलेट के अंदर बंद कर दिया, सेठ को सीट के नीचे धकेल दिया और उसका माल लेकर चंपत हो गया। और फिर? फिर क्या, बाद में जब मैं होश में आया तो सेठ से पता चला कि उसके बॉक्स में 15 लाख रुपए की हीरे थे। 15 लाख? आज शाम की फ्लाइट से तुम दिल्ली जा, ट्वीट नंबर एक, और उनसे 15 लाख रुपए देकर अपने दिल्ली के एजेंट को दे देना। कल पर्शियन गल्फ से माल आने वाला है और तुम्हारा यहाँ होना बहुत जरूरी है। ब्यूटीफुल, लवली, आप ही ने बनाया है। फिर जो रेयर टिकट, लेकिन देखो हवाई जहाज में बैठने से पहले अपने आप को दे दिया। हम फिर जी को खबर देते सनात आश्रम के मालिक। Thank you.
अच्छी हो। कसम है ताश के 52 पत्तों की, बहुत ही अच्छी। कौन हो तुम? सेठ जी कहाँ है? सेठ जी? तो क्या मैं तुम्हें सेठ दिखाई नहीं देता? जो ये अनाथ आश्रम चला गया। अनाथ आश्रम? ये अनाथ आश्रम नहीं है, नाथ आश्रम है। मैं तुम्हारा नाथ। कहाँ जा रही हो जालिम? कितना बड़ा सेठ चाहिए तुम्हें? मेरे पास भी रुपयों की कमी नहीं है। कसम है ताश के 52 पत्तों, अगर तुम एक बार मुस्कुरा दो। सुनिए, बाहर जाने का रास्ता किधर है? इधर से जाइए। थैंक यू। ये दस। मुझे बचाओ। मुझे कौन बचाएगा? वो मेरी इज्जत लूटना चाहता है। ये लोग मेरा पैसा लूटना चाहते हैं। माधो, उसे छोड़ो। तुम छोड़ो यार। माधो, तुम अपना काम करो। जग्गू सेठ के कामों में दखल मत दो। दखल के बच्चे जग्गू सेठ जो है उसका बाप हो। लड़की से तो सवाल है। अगर हमारे शंकर उत्तर को ये मालूम हो गया, तुम्हारा एक कदम गैर बन जाएगा, मोटर गैर। माधव, अगर तेरा शंकर उत्तर भी आया ना, तो उसको भी देख लूंगा। अच्छा? जी भी चटनी बनाओ। चटनी मैंने उनका अचार बना दिया। लड़की को छोड़ दे जग्गू। शंकर, ये मेरा अड्डा है। तेरा क्या? अगर शैतान का भी अड्डा होगा तो मैं ले जाऊंगा। शंकर, चटू। क्यों भाई माधो? तूने तो कसम की तू अब जुआ नहीं खेले। हाँ उस्ताद, कसम तो खाई थी, लेकिन मंगलवार दिन कसम तोड़ता बस। अबे मंगल के बच्चे, अगर मैं ढूंढता ढूंढता यहाँ न पहुँचता तो इस बिचारी को कैसे बचाता? हाँ। क्यों बहन, कहाँ जाओगी तुम? यहाँ मेरा कोई नहीं है। देखो हमें ज्यादा न बनाओ, तुम्हारा दूर के रिश्ते का कोई चाचा मामा ताया कोई तो होगा, उसके पास चली जाओ। ये लो 20 रुपये। देखो नाके पे हाजी का होटल है, उसके सामने 4 नंबर बस उठती है, उसमें बैठ के सीधा बोली बंदर दाहिने हाथ में वोट निकल के बाएं हाथ से निकल। उस्ताद, चोर चोर ही जाएगा, लेकिन हेरा पैसा नहीं। क्या देख रहे हो बेटा? कहीं मेरी जेब पे तो हाथ सफाई नहीं थी। उस्ताद, कैसे हो सकता है? उसने खेत में हाथ सफाई दिखाई, मैं टेबल पे हाथ साफ करती। बहुत अच्छा रहा आपका। बहुत बहुत नमस्ते जी, आप बहुत अच्छा नाचती हैं। अच्छा माधव, वो लड़की नहीं, मुसीबत है। मुसीबत? तुमने जानते अपने शंकर उस्ताद है ना, उसकी जबरदस्ती बहन बन के बन गई है और आज का अपने घर में रहती है। क्या बात? कुछ नहीं, 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 मैं ऐसे पूछा। हेलो। आप और यहाँ?
उस दिन आप स्टेशन से कहाँ गायब हो गई? छोड़ो, वो लंबी कहानी है। लीजिए आपके रुपए, जो आपने मेरे टिकट के लिए दिए थे। मैं ये रुपए लेना नहीं चाहता। मैं एहसान लेना नहीं चाहती। तो एहसान करना चाहती है? कैसा एहसान? ये रुपए अपने पास रख लीजिए। लीजिए रख ली। अब आप एक एहसान मुझ पे कीजिए। फरमाइए। आप मेरा हाथ छोड़िए और गाड़ी स्टार्ट करके यहाँ से चले जाइए। ओ गुस्ताखी माँ। अच्छा बताइए, फिर कब मुलाकात होगी? अब मुलाकात नहीं होगी, सॉरी, कोई देख लेगा। ये भैया रोज रात को कहाँ गायब रहते हैं? गायब ना? हाँ, गायब। हाँ हाँ, बात ये है कि वो रात को काम पे जाते हैं, नाइट ड्यूटी, और मैं डे ड्यूटी जाता हूँ। चोरों की तरह क्यों जाते हैं? और फिर चोरों की तरह चुपचाप आकर सो क्यों जाते हैं? चोरों की तरह? ये आप किसने कहा? मैंने अपनी आंखों से देखा। और क्या क्या देखा? भैया जब रात को जाते हैं तब जेब खाली होती है, और वापिस आते हैं तो जेब में सैकड़ों के नोट होते हैं। फिर वो कौन सा काम है? डाकजनी, मारपीट के अलावा और क्या हो सकता है? भैया मैं किसी का भैया नहीं, मैं चोर उछक का डाकू। रात के अंधेरे में खाली जेब लेके घर से बाहर जाता और सुबह होने से पहले पहले नोट उसे भरकर वापस आता। मेरा किसी से कोई रिश्ता नहीं। तुमने फूल की जो मुझे भाई कहा। माधो इनसे कह दो कि यहां से चली जाए। ठीक है भैया, मैं जा रही हूँ, तुम बैठ कर नाश्ता कर लो। अगर मैं तुम्हारी सगी बहन होती तो मुझे इस तरह घर से कभी ना निकालते। सुनो, अगर तुम मेरी सगी बहन होती और मैं चाहे तुम्हें कुछ भी कहता, तुम इस तरह घर छोड़कर कभी नहीं जाती। भैया हेलो। हेलो। आज फिर मुलाकात होगी है? क्या इत्तेफाक है? हुजूर, आप दो घंटे से यहाँ मेरा इंतजार कर रहे हैं और मैं दो घंटे से इस बात का इंतजार कर रही थी कि कब आप यहाँ से जाएं और मैं बाहर। किस्मत में मिलना था इसलिए मैं खिसका नहीं और आप बाहर आ गई। वैसे कहाँ जा रही हैं आप? मेरे लिए साड़ी लेने। भैया ने 50 रुपए दिए। तो बैठिए गाड़ी में। दीवाने और न सता, न सता, न सता।
अब तो दिल का राज कहते दिल के दीवाने से। अभी नहीं ना ना अभी नहीं मेरी जान अभी नहीं ना ना अभी नहीं। हाँ हमने प्यार किया कहते जमाने से। अभी नहीं ना ना अभी नहीं ओ हो अभी नहीं ना ना अभी नहीं। महक जाने दे ढलक रहा है ये आंचल तो ढलक जाने दे। संभाल खुद पाखी ऐसे बेकरार ना हो बला से दिल बहक रहा है बहक जाने दे। तेरी अदाएं दिल को जब यूं बेकरार करें दबा के दर्द कब तलक यूं इंतजार करें। न छेड़े ऐसे सनम तुझको अब तो दिल से मिलने दे दिल किसी बहाने से। अभी नहीं ना ना अभी नहीं मेरी जान अभी नहीं ना ना अभी नहीं। ओ हाँ हमने प्यार किया कह दे जमाने से। अभी नहीं ना ना अभी नहीं ओ हो अभी नहीं मेरी जान अभी नहीं। अरे प्यार कहीं छुपता है ऐसे छुपाने से। कभी नहीं लेने चले आना। फिर परसों सैंडल फिर ओढ़नी। बहुत अच्छे हैं आप। नमस्ते। अब आप यहाँ से जल्दी चले जाइए वरना कहीं भैया ने। भैया अच्छे हो आप आगे। भैया इनसे मिलिए ये है। मैं इन्हें जानता हूँ। आपने मुझे साड़ी लेने भेजा था ना वही दुकान में। इनसे मुलाकात हो गई। मैंने तो तुम्हें सिर्फ 50 रुपए दिए। ये सब चीजें भी शायद इन्होंने तुम्हें दिलवाई हूँ और फिर ये तुम्हें पिक्चर दिखाने भी ले गए होंगे। नहीं भैया। पिक्चर नहीं तो घुमाने ले गए हूँ। माफ कीजिएगा आपको गलतफहमी हो रही है। रेखा को मैं तब से जानता हूँ जब आप भी नहीं जानते थे। इससे कुछ नहीं होता बरफुर्दा। रेखा मेरी सखी बहन न सही मुंह बोली बहन जरूर है। मुझे ये सब चीजें पसंद नहीं। क्या पसंद नहीं? प्यार करना बुरा है। हम एक दूसरे को चाहते हैं। शादी करोगे? जी हाँ। कब? ये मैं अपने घर वालों से पूछ कर बताऊंगा। और अगर उन्होंने इनकार किया तो भी शादी जरूर होगी। अब मैं चुप नहीं रहता। बात ये मानो अब ठीक है। मैं ऐसी तरकीब चलाऊंगा कि इनके घर वाले भी खुश ये दोनों भी खुश और हम दोनों भी खुश। मगर क्या है वो तरकीब? वो तरकीब ये है कि सोच के बताऊंगा। Thank you.
टाइम इज अप जनाब, एक बज चुका है। ओह, एक बज चुका है, तो फिर एक और। आप यहां बैठे, हम आपको कहां कहां ढूंढ आए। उधर वो लड़ प्राइवेट। ओ, ओ प्राइवेट प्राइवेट। हाँ, आप जरा दो मिनट तशरीफ ले जाइए प्राइवेट। उस्ताद, हाँ, वो लड़की जिसे हम लोग लाए थे ना, वो लड़की और शंकर बचा कर ले गया, तो आज उसे फिर लाए हो। कसम है ताश के 52 पत्तों की, वो लड़की हमें बेहद पसंद है। उस्ताद, हाँ? सोने की चिड़िया है, सोने की चिड़िया, किसी बहुत बड़ी रियासत की राजकुमारी, हम अपनी आंखों से देखा है। अगर आज वो हमारे कब्जे में होती ना उस्ताद, एक छोटा सा लेटर लिखने की देर थी, उसके घर वाले राजकुमारी को पाने के लिए लाखों की ढेर लगा देते। अरे अब भी क्या बिगड़ा है, चिड़िया फांसना कौन सी बड़ी बात है। सर, मैं कल क्यों जाल फेंका। सर, टाइम इज ओवर। टाइम इज ओवर। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। क्या मुसीबत है, ऐसे ऐसे लोफर आ जाते। अरे सबर करो भाई, थे क्या बात है। हेलो हेलो, मैं स्पीक टू मिस्टर विजय। वो मरगवा? अरे क्या मरगवा हो? अरे तो फिर अंग्रेजी में का छाटा था, ठीक से हमारी भाषा में बोलो, जौन हम समझी। बोलो क्या चाहिए। इडियट। इज्जत? अरे यहाँ इज्जत बाबू बाबू कोई नहीं है। माधो, कोई नौकर बोल रहा है। इधर कौन है? कौन लड़की है? इज्जत बाबू का पूछा थी। हेलो, मदन लाल स्पीकिंग। नहीं, ये कौन बदतमीज है जो हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान नहीं बोलता है? क्या बकते हो? खामोश। हम नौकरों के मुंह लगते, चुपचाप विजय बाबू फोन दो। मैं विजय का बड़ा भाई मदन लाल बोल रहा हूँ। अरे तो क्या 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 बड़े भाई है? माफ करना, मेरा नाम जी है श्री धूमा। श्री श्री क्या? आप क्या सुनते हैं? मेरा नाम श्री धूमा। हाँ, मैं राजकुमार रेखा का निजी मंत्री हूँ। राजकुमारी रेखा? अच्छा अच्छा, प्लीज टू मीट यू राजकुमारी जी। लो विजय भी आ गया। विजय, राजकुमारी रेखा। ओ हेलो जान। ओ जान, माय लव, माय स्वीट हार्ट, मेरी जिंदगी, मेरे सब कुछ, तुम कहाँ थे? पता तुम्हें तीन तीन खत का जवाब, हाँ तीन तीन खत मैंने लिखा, तुमने एक का भी जवाब नहीं दिया। अच्छा तुम बताओ कब आई? परसों। अच्छा अच्छा, कहाँ जा रही हो? होटल कमोडोर में। गुड। अरे जाने वाले, तुम नहीं आती तो पता यहाँ क्या गड़बड़ हो रही थी। ये भाई साहब और माँ दोनों मिलके मेरे गले में फंदा डाल रहे थे, पता है, शादी का फंदा। आई लव यू। हाँ, आई एम जस्ट कमिंग। यस, बस अभी आया, एक मिनट एक मिनट। देखा माँ जी, मैंने क्या कहा था। लेकिन ये लड़की है कौन? मुझे नहीं मालूम, लेकिन कोई राजकुमारी है। राजकुमारी? हाँ। जी भैया, ये राजकुमारी कौन है? भैया वो लंदन में राजस्थान का कोई राजघराना जाके सेटल हो चुका था, वहां पर उनकी काफी जायदाद है। लड़की के माँ बाप भी हैं? जी नहीं, कुछ 5-7 साल पहले उनकी डेथ हो चुकी है। उनका भाई बहन भी कोई नहीं है। उनका एक प्राइवेट सेक्रेटरी है, वही उनकी देखभाल करता है। जब मैं लंदन में था ना माँ, तो वहीं पे उनसे मुलाकात हुई थी। अच्छा भैया, मैं चलूँ। ठहरो, अब मैं भी साथ चलता हूँ। शंभू, मेरा कोट ले आओ। अच्छा, आप ड्रेसअप होकर आइए, मैं गाड़ी निकाल दूँ। अच्छा माँ जी, लड़की को पहले मैं देखे आता हूँ, इसके बाद आप देख लीजिएगा। अरे बेटा, मुझे क्या देखने का, लड़की विजय को पसंद है, अच्छे खानदान की, तुम बातचीत पक्की करके ही आना। हाँ बाबूजी, आप पहले बातचीत पक्की कह लियो, फिर उसके बाद पंडित जी के पास जाए कि हम मुहूर्त निकलवा दे। माता जी, अब की दाई सहनाई जरूर बजे, खूब नाच हुए, खूब गाना हुए। मेरा तो जी डर रहा है, अगर कहीं भेद खुल गया तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। प्लान जरूर मेरा है, मगर जो कुछ हो रहा है विजय की मर्जी से हो रहा है, इसलिए आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं।
हेलो। हाँ असली धुमा बोल रहे हैं। आ गए अब भेज दो भेज दो। रेखा वो दोनों आ गए हैं। दोनों मतलब है उनका बड़ा भाई भी साथ में आ गया है। घबराने कोई जरूरत नहीं, मैं सब ठीक कर दूंगा। इस वक्त तुम राजकुमारी हो, राजकुमारी। चलो आवाज सुन दो। अब नीचे मत कोट ला मेरा। मैंने जो कुछ समझाया ध्यान में आया तुम्हारे ना, सब ठीक है ना? मेरा नाम बंधु नहीं तुमा, तुम्हारा नाम चिंटू। शाबाश लोग आ गए। जरा सेक्रेटरी को जाओ। हाँ पर तुम्हें मत करना। आइए 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 भैया। मिस्टर धुमा आप हैं मेरे भाई साहब। ओ हेलो मिस्टर धुमा, हाउ डू यू डू। हां नहीं साहब, हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी। अच्छा धुमा साहब कैसे मजा रहे हैं आप? बहुत अच्छे। आप तशरीफ रखिए। आप चिंटू जी चाय। हाय विजय। हाय राजकुमारी, हाउ आर यू? फाइन। अरे तुम यहाँ क्यों खड़े हो? हम तुमसे मिलने के लिए बहुत दूर से आए हैं। अंदर चलो। एक मिनट, मेरे भाई साहब से मिलो। हेलो नमस्ते। नमस्ते। मिस्टर धोमा तुम इनके अच्छे तरह खातिर करो। अच्छा। और हमारे चाय अंदर भेजो। ओके राजकुमारी जी, वो नट्टू मोल खट्टू मोल जवेरी का फोन अगर आ गया तो उसे क्या कर दूं? तू ही बात कर लेना। अच्छी बात है। लवली पेयर, बेहद ही खूबसूरत जोड़ा। यारे ये हंस का जोड़ा। सब ठीक है ना? अभी तो सब ठीक है। तो पहले टेलीफोन से। टेलीफोन तो होता रहेगा। पहले टेलीफोन। मैं क्या कह रहा था जी? आप ये फरमा रहे। हेलो धुआं बोल रहे हैं। हाँ जी मैं राजकुमारी के हार के बारे में बोल रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी मैं नटमल जी खटमल जी बोल रहा हूँ। नटमल खटमल जी। नटमल जी क्या कहा? हाँ जी वो हार कुछ 1,00,000 रुपए का पड़ेगा जी। हीरे की हार की कीमत 1,00,000 रुपए? अरे भैया अगर हार तुम्हारा राजकुमार पसंद आ गया तो 2,00,000 रुपए लेना, समझे? कोई बड़ी बात नहीं। तो मैं क्या कह रहा था? आप ये फरमा रहे थे। हेलो श्री धुमा बोल रहा है जी। गड़बड़ नहीं प्रतापगढ़। क्या हुआ? जमीन बोलते हैं उधर। हाँ तो कोई बात नहीं, 1,000 एकड़ जमीन ले लो। हाँ समझे? ओहो अरे तुम उड़ के उड़ रहे। तुम जानते हो इस समय किससे बातें कर रहा हूँ? सेठ मदन लाल से। हाँ दोबारा फोन नहीं करना, जरा जरूरी काम है। तो मैं क्या कह रहा था? आप ये फरमा रहे थे। हेलो से धुआं बोल रहे हैं। क्या कहा? अनाथ आश्रम के आदमी आए? अरे उनको वही बिठाओ वही बिठाओ, मैं नीचे आके मिलता हूँ, समझे? मैं क्या कह रहा था? तो मैं क्या कह रहा था? मेरा ख्याल है कि अब मैं कुछ कह लूँ। हाँ कहिए कहिए, मैंने बहुत कुछ कह दिया। बात यह है कि मैं अपने छोटे भाई को शादी के लिए बहुत दिनों से मजबूर कर रहा था, लेकिन वो हमेशा इनकार करता रहा। आज उस इनकार की वजह मालूम हो गई। क्या ख्याल है? ख्याल तो ठीक ही है। बात यह धुमा जी कि राजकुमारी जी का ताल्लुक एक बहुत बड़े राजघराने से है। माफ करना माफ करना, अभी कुछ कम नहीं। बात पक्की? लेडीज एंड जेंटलमैन, हुजूर इंग्लिश नहीं, हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी, भाइयों और बहनों। अच्छा भाइयों और बहनों, मैं आज की इस पार्टी में आपको एक खुशी की खबर सुनाना चाहता हूँ। मेरा छोटा भाई विजय और राजकुमारी रेखा, ये दोनों इंग्लैंड में साथ साथ पढ़े हैं और एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। मैं चाहता हूँ कि इन दोनों को शादी के बंधन में बांध दिया जाए। Yeah, yeah, yeah.
पसीने रूठने वाले, सताना तुझको आता है सताले और सताले। कभी तो जानूंगी कभी तो मानूंगी, कभी तो जानूंगी कभी तो मानूंगी। बंदा पर्वत कुछ भी कह लो, मैंने तुमसे वफा की है, मैंने तुमसे जुबा की है, मैंने तुमसे जुबा की है। अरे तुम अंदर आ गए। अरे भाई वो इनविटेशन कार्ड जरा तुमको दिखाना था, इसको अप्रूव करो ना। मैटर दिखाने की इतनी जल्दी क्या है? क्यों ना जल्दी, 24 घंटे का टाइम, तुम समझती ओहो तुम समझती नहीं हो, बहुत बहुत जरूरी काम तो क्या। ओहो अभी इनविटेशन कार्ड तुमको अप्रूव करा करके मैं जाऊंगा प्रेस, वहां से लोगों के। देखिए हुजूर आप एक मिनट के लिए तशरीफ बाहर ले जाइए, मैं कपड़े बदल कर आती हूं। अरे भाई सबको बांटना है, चलो ना। देखा
कौन था, कपड़े वेटर के पहने हुए थे। विजय उसके पीछे टेरेस पर गया। तुम घबराओ नहीं, मैं भी देखता कौन है वो। अरे तुम क्या हुई? कुछ नहीं, वो बदमाश बच के भाग गया। भाग गया? हाँ। कोई बात नहीं, मैं जाके मैनेजर से पूछता हूँ ये होटल है या भतिया खाना है। विजय तुम ठीक हो ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर तुम वक्त पर ना आते तो हम इस तरह कैसे मिल पाते? देख मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गर्भजा मंगलम पुंडरीकाक्ष सर्व मंगलाय तनो हरि स्वाहा। कन्या को लाइए। नमस्ते दर्शन जी। नमस्ते भाभी जी। तशरीफ रखिए। जमनालाल जी नमस्ते। नमस्ते, आप हैं धूमा राजकुमारी जी के प्राइवेट सेक्रेटरी। नमस्ते। तशरीफ रखिए। शंकर तुम? शेख जी विजय मेरे लिए भी उतना ही अजीज है जितना कि आप। ये भी कोई कहने की बात थी? हाँ बैठो बैठो। ओम सर्वमंगल मांगलेश्वे साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते शरणागत दीनार्पण फल त्राण प्राण सर्वचातरे देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम अम्बे अम्बके अम्बालके नमानति कश्चन स्वस्त्याय शोका सुभद्रकां कां पीलवासिनीम। ओम विष्णो नरादमस विष्णो शनत्रेस्तो विष्णो। ठहरो, ये राजकुमारी नहीं मेरी भांजी है। क्या बकत हो, नौ टांग चढ़ाएगा तो नहीं आए हो? चले जाओ यहाँ से, नहीं तो अब क्या बात है? देखिए बाबूजी, मैं ये अखबार लेकर आया हूँ। ये जो फोटो छपी है ये इसी लड़की की है ना? जी हाँ, ये मेरी भांजी है जो घर से भाग कर आई है, आप इससे पूछ लीजिएगा। ठेरे भांजी मामा, आपने राम और श्याम पीछे देखिए? नहीं देखिए, आप देखेंगे नहीं, आप जरा गवार मानो बोलते हैं। देखिए, एक शक्ल का दो आदमी हो सकते हैं, दो लड़कियां भी हो सकती हैं। वैसे ये हमारी राजकुमारी है, ये तुम्हारी भांजी नहीं है। अम्मा जा जा बढ़ाया राजकुमारी वाला, सीधी तरह से मेरी भांजी मेरे हवाले कर दो, वरना याद रखना। क्या करोगे? क्या करूंगा बताऊ तुम? मिस्टर घुमा दाढ़ी उल्टी लगी। ओ सॉरी, आप दिख गए। थैंक यू। शंभू जी पुलिस को फोन करो, ये सब धोखेबाज। ये लोग बिल्कुल बेकसूर हैं। मुझे मालूम था कि रेखा एक मामूली लड़की, और ये भी मालूम था कि इसके मामा इसकी शादी एक बूढ़े से कराना चाहते थे, इसके लिए यहां से भाग के आई। अब क्या चाहता है तू? मां आपका और भाई साहब का आशीर्वाद। ये नामुमकिन है, तुम्हारी शादी इस लड़की से कभी नहीं हो सकती। भाई साहब हम एक दूसरे को बेहद चाहते हैं, ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। ये हमारी जिंदगी और मौत का भी सवाल है। मैं ऐसी लड़की को अपनी बहू हरगिज बनाना नहीं चाहती जो तरह तरह के रूप बदलती हो। तो ठीक है मां, अगर ये लड़की इस घर की बहू नहीं बन सकती तो कोई भी लड़की इस घर की बहू नहीं बन सकती। विजय अभी इस बारे में बहस करना शुरू है, थोड़े दिन में इसका पागलपन अपने आप दूर हो जाएगा। रामू उठाओ यहां से सब सामान, खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? मैं तुमसे कह रहा हूं ले जाओ अपनी भांजी को। चलो उठाओ। ठहरो मामा। शंकर अच्छा हुआ आपने मुझे पहचान लिया मामा जी। अरे तुझे कैसे ना पहचानता, जब तूने घर छोड़ा था तो रेखा इतनी सी थी। इसलिए तो बहन भाई एक दूसरे को पहचान ना सके। भैया मामा जी रेखा पर मेरा भी हक है। जरूर है मामा जी, राम और श्याम देखते तो ये गड़बड़ नहीं होती। सेठ जी अब रेखा और विजय की शादी में आपको कोई इतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि रेखा मेरी छोटी बहन है। तुम कौन हो ये भी अब मुझे बताना पड़ेगा? नहीं इसकी जरूरत नहीं, मेरे लिए इतना ही काफी है कि तुम हमारी हैसियत से बहुत गिरे हुए हो, इसलिए तुम्हारी बहन की शादी मेरे भाई से कभी नहीं हो सकती। आइए माता जी।
यहाँ क्यों आए? ये पूछने के लिए कि हम दोनों की हैसियत में क्या फर्क है। तुम्हें नजर नहीं आता? मुझे ज्यादा फर्क नजर नहीं आता, यही छोट बड़े का फर्क है। तुम बड़े गुंडे हो और मैं छोटा। क्या बकते हो? बकता नहीं, ठीक कह रहा हूँ। यही मामूली सा फर्क विजय और रेखा की हैसियत में है, मगर वो दोनों मासूम है। शंकर, मुझे तुम पर गुस्सा नहीं, रहम आ रहा है। अपनी छोटी बहन की मोहब्बत ने तुम्हें अंधा कर दिया है, इसीलिए तुम्हें मालिक और नौकर में फर्क नजर नहीं आ रहा। मालिक? मालिक और तुम? मैंने तुम्हें मालिक बना दिया। अगर मैं आज तुम्हारे लिए काम करना छोड़ दूं तो तुम कल को कंगाल बन सकते हो। शंकर, जो काम तुम करते थे वो मैं किसी भी मामूली आदमी से काम ले सकता हूँ। आज से मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगा और न किसी और को करने दूंगा। और ये जो ऊंच नीच की दीवार विजय और रेखा के दरमियान खड़ी की है, इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। चिंता करती है, अपने भाई पर भरोसा रख। दुनिया में अच्छे लड़कों की कमी नहीं है। मैं तेरे लिए विजय से भी ज्यादा अच्छा लड़का तलाश करके लाऊंगा। भगवान, मैं तुमसे सिर्फ एक ही बात पूछनी चाहता हूं, मेरे किए की सजा मेरी बहन को क्यों दे रहे हो? सलाम साहब। आई कॉफी एस्प्रेसो। कॉफी एस्प्रेसो। बैठे बैठे बैठे। थैंक यू। कॉफी एस्प्रेसो। यस प्रेसो। प्रेसो प्रेसो। क्या बात है? स्क्रैम्बल्ड एग्स। स्क्रैम्बल्ड एग्स तैयार हो रहा है। ओ हो, फिर चिकन रोस्ट। चिकन रोस्ट? चिकन नहीं है, रोस्ट है। सैंडविचेस। सैंडविच विच विच अभी तैयार क्या है? अभी नहीं कहता हूँ। देखो कुंदन, लाखों का माल है, इसलिए बहुत ज्यादा होशियार रहने की जरूरत है। आप बेफिक्र रहिए। कॉलेज स्ट्रीट जानते हो? यहाँ से राइट टर्न, फिर जाके आगे लेफ्ट साइड पर एक गली मिलेगी। यहाँ पर पान वाले की दुकान है। उस पान वाले से कहना कि स्टेट एक्सप्रेस 5366। क्या कहोगे? स्टेट एड्रेस 5366। वेरी गुड। साहब साहब, इन दोनों के लिए कुछ मंगाओ। नाउ गेट द बिल क्विक। जब तुम पान वाले से ये पासवर्ड कहोगे तो वो तुम्हें एक सिगरेट का पैकेट देगा। उस सिगरेट के पैकेट के अंदर गाड़ी की चाबी होगी जो उसकी दुकान के सामने खड़ी है। उस गाड़ी को हिफाजत से लेकर पॉइंट पर पहुंच जाना, समझ गए? और इस नक्शे को बड़ी हिफाजत से रखना। नॉट वरी बॉस। बिल सर। कीप द चेन। ओके ओके ओके। वेरी वेरी काइंड ऑफ यू। वेरी काइंड ऑफ यू। वेरी का 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 का। ये बात। अरे यार कुंदन, किसी ने टायर की हवा निकाल दी। जल्दी से स्टेप में निकालो। उस्ताद, उस्ताद, आपका प्लान कामयाब। देखिए शाबाश,
ये लोग अपनी स्टेपनी चेंज करते रहेंगे, हाँ। तुम काम करके मुझे बैंड स्टैंड पे मिलना। ओके बॉस, ओके। ये क्या बात है, चलिए भाव जी गड्डी अंगेज है। अरे अंगेज है, हाँ। सरदार जी देखो उधर क्या है, ओके कर दो गड्डी मेरी है। मेरी गड्डी गुंडे लेके नस गए, तुझे इन्हें फड़ना, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी, छेती चलो। गाड़ी चलानी नहीं आती, कैसी गाड़ी चलाती हूँ? कौन है आप, क्या कर रहे हैं? सुनिए सुनिए तो सुनो, बचाओ साहब, रब थोड़ा भला करे, मेरी गड्डी मिल गई है, हूं मैं चल लिया। प्लीज डॉक्टर साहब, हमारा वाइफ को लेके गया, प्लीज हमारा वाइफ को लेके गया, प्लीज बचाओ हमको। हमारे
जल्दी 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 मिलके साथ मिल मिलके लो बंद बंद बर्दास 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 आगे आगे अरे बाप रे ये कैसे आ गए इंस्पेक्टर साहब हमें शक था कि इस गाड़ी में स्मगलिंग का माल है इसलिए हमने पीछा किया आप देखिए 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 क्या है देखिए बात चलिए लेकिन आप दोनों को हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा चलिए 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 सर बोले की दलाली की हाथ दोनों काले हो गए शादी करोगे कब ये मैं अपने घर वालों से पूछ कर बताऊंगा और अगर उन्होंने इनकार किया तो भी शादी जरूर होगी ये नामुमकिन है तुम्हारी शादी इस लड़की से कभी नहीं हो सकती मैं ऐसी लड़की को अपनी बहू हरगिज बनाना नहीं चाहती जो तरह तरह के रूप बदलती हो ये नामुमकिन है तुम्हारी शादी इस लड़की से कभी नहीं हो सकती मैं ऐसी लड़की को अपनी बहू हरगिज बनाना नहीं चाहती छोटके बाबू कम से कम चाय तो पी लो
पहली मर्तबा हार भी माल पकड़ा गया। जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ, जो होने वाला है उसकी फिक्र मत करो और जो सामने है उससे फायदा उठाओ। सामने तो अंधेरा ही अंधेरा है। तो फिर रोशनी दिखाऊं? कुछ फायदा ना होगा, शंकर के बगैर कामयाबी नहीं होगी और अब शंकर कभी वापस आने वाला नहीं। जग्गू के बारे में आपका क्या ख्याल है? जग्गू ख्याल बुरा नहीं, लेकिन जग्गू मेरे अंदर क्यों काम करेगा? उसका अपना अड्डा है, अपने आदमी हैं, लेकिन लेकिन अगर जग्गू के जस्ट प्लीज शो बैड लग बिजय बाबू। हाँ, मैं सिर्फ मदन लाल बोल रहा हूँ। आपको शायद ये नहीं मालूम कि नागपाड़े में एक बिल्डिंग है A37 जहां मुस्तकिल जुए का अड्डा है। अड्डे के दलाल बाहर से आए हुए भोले भाले लोगों को बहला फुसला कर ले आते हैं और फिर कंगाल बनाकर निकालते हैं। दिन रात जुआ होता है। जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल गुंडों का अड्डा है। छोड़ा दीजिए।
सोडा? नहीं, चूड़ा। बीस, चालीस, ये चालीस, दूसरा चालीस, सौ, सौ कीजिए। ये कैसे हो सकता है विजय बाबू? तुमने पत्ते बदले किए हैं। नहीं जग्गू बाबू, मैंने गिलास बदले किए हैं। गिलास? हाँ विजय बाबू, आपके पत्ते देखकर ये आदमी जा सकता था, उसको ये देखकर जग्गू बाबू चार चलते थे। मारो, तुम बाहर चले जाओ। जाते हैं विजय बाबू, किस तरह तुम नहीं जाओगे? जूलियन बाबू देखते जाओ। हमने जो कुछ भी किया तुम्हारी भलाई के लिए किया। मेरी भलाई के लिए?
एक छोटे से जुए खाने को चलाने की बनिस्बत एक बहुत बड़े कारोबार में शामिल होना उससे कहीं बेहतर है। यहाँ तुम्हें इज्जत भी मिलेगी और दौलत भी, और हमारे आदमियों में तुम्हारा वही दर्जा होगा जो शंकर का था। मुझे मंजूर है। गुड बेला, इन्हें कैसे मिलना है और किससे मिलना है ये सब कुछ इन्हें बता दो, और एडवांस के तौर पर 2000 रुपए भी दे दो। हैप्पी ओके बाय। समथिंग नहीं एडवांस क्या हुआ? चबू के अड्डे पे पुलिस धावा मार दिया। चबू तो भाग गया, मुझे पकड़ा गया। मगर विजय वहाँ क्यों गया? चबू ने फंसा के वहाँ ले आया था। और सुनो, एक बुर्का पुत औरत चबू को वहाँ से ले गई। कहाँ ले गई? वर्सोवा। ओ मैं समझ गया। विजय कहाँ जा रहे हो बेटा? घबराओ नहीं माँ, मैं किसी ऐसी जगह नहीं जा रहा हूँ जहाँ से पुलिस मुझे पकड़ कर गिरफ्तार कर ले और भाई साहब को मुझे छुड़ाने के लिए जाना पड़े। विजय मुझे मालूम नहीं था एक मामूली लड़की के प्यार में इतने पागल हो जाओगे। माँ जिस दिन से आपने उस मामूली लड़की को लगन मंडप से बाहर किया है मैंने आज तक कोई जिक्र नहीं किया और न ही उससे मिलने की कोशिश की, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी उसका जिक्र न किया करें। बेटा मैं तुम्हारी माँ हूं, तुम मुझसे यूं खिंचे खिंचे क्यों रहते हो, उल्टी सीधी बातें करते हो? तुम जानते हो तुम्हारी माँ के दिल पर क्या गुजरती है? एक तुम हो जिसे मैंने जन्म दिया है, और दूसरी तरफ तुम्हारा सौतेला भाई मदन, एक आवारा माँ दूसरा देवता। जग्गू यहाँ की मशहूर डांसर मिस निधि दुनिया का टूर करके वापिस आई है। उसके गले में निहायत कीमती हार है जिसे वो हर प्रोग्राम में पहनती है, और आज रात को 9 बजे किंग्स होटल में उसका प्रोग्राम है। समझ गया। काम ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन बड़ा काम सौंपने से पहले मैं तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहता हूँ। आप बेफिक्र रहिए, जग्गू हर आजमाइश में कामयाब उतरे। ये देखो उसकी तस्वीर और रहा यह हार। गुड। Thank you.
ड्राइवर मुझे कहाँ ले आए हो? मैं पूछ कौन हो तुम, मेरा ड्राइवर कहाँ है और मुझे यहाँ क्यों ले आए? घबराइए नहीं, मुझे सिर्फ तुम्हारे हार की जरूरत है। कसम है ताश के 52 पत्तों की, अब तो तुम्हें हार देना ही पड़ेगा। ये रही चाबी, आपका ड्राइवर पीछे डिक्की में है। सरदार जी, जो अपना काम करो। ये लो जी, थोड़ा हार। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे शुक्रिया नहीं, कड़ी गल है बहन जी, ये तो सारा फर्ज है। क्यों साहब जी? आओ जी बादशाह हो। चले शंकर के जाने के बाद आज दूसरी मरतबा मुझे नाकामी का मुंह देखना पड़ा है। गीदड़ तो मेरे पास पहले ही से बहुत थे, मुझे शेर की जरूरत है। आपने मुझे गीदड़ कहा? गीदड़ से भी बुजदिल अगर कोई जानवर है तो उसका नाम लो। शेर साहब। शेर साहब नहीं, मुझे बॉस कहा करो। और एक बात याद रखो, मुझे बड़ी बड़ी बातें करने वाला नहीं, बड़े बड़े काम करने वाले आदमी की जरूरत है। कसम है ताश के 52 पत्तों की, अब मैं काम करके ही वापस लौटूंगा। लेकिन आप भी एक बात याद रखिए, जब मैं कामयाब वापस लौटूंगा तो आपको अपने अल्फाज वापस देने पड़ेंगे। हाँ हाँ, हार लेकर आओ, हम जरूर अपने अल्फाज वापस लेंगे। ओके बॉस। चीयर्स। यही रोशनी दिखाई थी तुमने? डोंट बी सिली। छुटके बाबू, खाना लगा दीजिए। मुझे भूख नहीं। चलो खाए ना छुटके बाबू। मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं, मुझे जरूरत ही खिलाओगे। छुटके बाबू, जब आप छोट के रहे ना तो रूठ जाग रहे हैं, मनाए मनाए कि हम खाना खिलाओ। छुटके बाबू, जब आप रोवे लागे तो अपनी गोदी में लेके खिलाओ। छुटके बाबू, हम आपके नौकर जरूर हैं, मुदा हम का आपकी ये परेशानी ना ही देखी। मुझे खत्म कर दो। विजय बेटा, अगर मुझसे कोई भूल हो गई है तो मुझे माफ कर दो। अगर तुम देखे से शादी, तुमने फिर उस मामूली लड़की का नाम लिया। वो हमारी हैसियत की नहीं है, बहुत छोटे लोग हैं, हम लोग बड़े हैं, सोने चांदी में खेलने वाले कंगाल और गरीबों से बात नहीं करते। विजय, अगर तुम ये समझते हो कि उस लड़की से शादी मैंने तुम्हारी इसलिए नहीं की कि वो गरीब है, तो ये तुम्हारी भूल है। शादी ब्याह के मामले में धन दौलत से ज्यादा खानदान जरूरी है, और खानदान से मेरा ये मतलब है कि लड़के लड़की के खानदान वालों ने कोई ऐसी हरकत न की हो जिससे खानदान पर पट्टा लगे। अब तुम ही बताओ, अगर तुम्हारा भाई चोर और डाकू हो तो क्या कोई शरीफ आदमी अपनी लड़की को बहू बनाकर इस घर में भेजना पसंद करेगा? लेकिन भाई साहब, मुझे रेखा से कोई शिकायत नहीं, लेकिन रेखा का भाई शंकर इस शहर का सबसे बड़ा गुंडा है। नहीं भाई साहब, शंकर ऐसा आदमी नहीं है। तुम कुछ नहीं समझते विजय। याद करो, जब तुम ट्रेन से वापस आ रहे थे तो कंपार्टमेंट में तुम्हें गुंडे से उलझ गए थे, और शंकर भी कुछ इसी किस्म के काम करता है। उसकी सूरत याद करने की कोशिश करो, कहीं वो शंकर ही तो नहीं था। शंकर? हाँ हाँ, मुमकिन है उसने भेष बदल रखा। बिल्कुल शंकर था। यस भाई साहब, ही वाज शंकर। भाई साहब, मुझसे गलती हो गई, मैंने आपको गलत समझा, मुझे माफ कर दीजिए। विजय, कहाँ जा रहे हो? शंकर के पास जा रहा हूँ, बहुत जरूरी है। माँ, तुम घबराना मत, मैं भी आ रहा हूँ। माँ जी,
मुझे भी जाना चाहिए। विजय कहीं कुछ उल्टा सीधा ना कर दे। मैं तुम्हारे भाई से मिलना चाहता हूँ। वो घर में नहीं है। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। अच्छी बात है, आप इंतजार कीजिए। रेखा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना है? बात यह है रेखा, मैं अब तो सोचता रहा कि मेरी अमीरी और तुम्हारी गरीबी हम दोनों के बीच दीवार है, लेकिन लेकिन असल में मेरे भाई साहब ने बताया कि तुम्हारा भाई शंकर एक गुंडा है। मैं अपने भाई के खिलाफ कुछ सुनना नहीं चाहती। तुम्हें सुनना ही होगा। उस दिन ट्रेन में तुम्हारे आने से पहले सेठ के हीरे लूटने वाला और मुझे बेहोश करने वाला तुम्हारा भाई शंकर गुंडा था। विजय बाबू, इतने दिनों बाद अचानक आज आपको कैसे मालूम हुआ कि वो मैं था? मुझे मेरे भाई साहब ने बताया। कितनी अजीब बात है, उस दिन आपने मुझे नहीं पहचाना, पुलिस ने नहीं पहचाना, और घर पर बैठे हुए आपके भाई साहब को यह कैसे मालूम हुआ कि असल में वो बदमाश मैं था? जानना चाहते हो उन्हें कैसे मालूम हुआ? जी हाँ, दरअसल आपके भाई ने हीरे लाने के लिए मुझे वहां भेजा था, और यही हम दोनों का धंधा। ये झूठ है, आप अपने आप को बचाने के लिए एक शरीफ आदमी को बदनाम कर रहे हैं। उस शरीफ आदमी की शराफत अपनी आंखों से देखना चाहते हो तो वर्सोवा के बंगला नंबर 111 में जाकर देखो। अच्छी बात, मैं भी जाता हूं। तू क्या सोच रही? उन्हें वहां कोई खतरा तो नहीं होगा भैया? नहीं, वैसे मैं भी आसपास ही रहूंगा। आप यहाँ अकेली रहती हैं? पहले ये बताइए
बगैर इजाजत आप यहाँ तक क्यों चले आए? दरवाजा खुला था तो इजाजत किससे लेता? क्या आप हर उस बंगले में घुस जाएंगे जिसका दरवाजा खुला हो? अगर कोई जरूरत पड़ी तो। मालूम होता आप सीधी तरह यहाँ से नहीं जाएंगे। अगर आप बेल बजाकर किसी को बुलाने की कोशिश कर रही हैं तो बेकार है, मैंने उसका इंतजाम कर दिया है। तो पुलिस को बुलाना पड़ेगा? जरूर बुलाइए, लेकिन नंबर मैं डायल करूंगा और बातें आप कर लीजिएगा। चले जाओ यहाँ से वरना गोली मार दोगी। तो अब तुमने अपना असली रूप जाहिर किया, यही मैं देखना चाहता था। जा रहा हूं। बोलो बोलो, इस वीरान बंगले में अकेली क्यों रहती हो? तुम्हारा असली बॉस कौन है? लीजिए सेठ साहब नेकलेस, और गौर से देख लीजिए, ये वही है ना? विजय बाबू, कसम है ताश के 52 पत्तों की, जग्गू मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम यहां मिलोगे। आप यहां क्या कर रही हैं विजय बाबू? तुम्हारे इस दूसरे अड्डे का मुआयना करना है जग्गू, और ये जानना चाहता हूं कि वो सेठ कौन है जिसके लिए तुम ये हार मार कर लाए। चाकू क्यों निकालते हो जग्गू? मैंने तो सेठ के बारे में पूछा। अगर मैं न बताऊं तो? तुम्हारी मर्जी। शंकर, जग्गू का खून हो गया, पता नहीं किसने गोली चलाई। घबराने की कोई बात नहीं, तुम घर जाओ, मैं अभी जाकर देखता हूं। जाओ। खामखा मुझे सोचना पड़ता है कि लाश को कौन ठिकाने लगाए। ये काम अब पुलिस को ही करना पड़ेगा। नहीं, हमेशा की तरह ये काम तुम्ही को करना होगा। यूं समझ लो कि ये आखिरी खून है जो मेरे हाथों से हुआ है, और यही आखिरी लाश है जिसे तुम्हें ठिकाने लगाना होगा। मैं मजबूर हूं। बड़ा समझने की कोशिश करो शंकर, तुम लाश ले जाओ, मैं विजय और रेखा की शादी की तैयारी करता हूं। उन दोनों की शादी के लिए अब तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? तुमने ही जग्गू का फोन किया है, मैंने विजय से कह दिया है कि वो पुलिस को खबर कर दे। अदालत में ये साबित करना बहुत कि जग्गू का फोन तुम्हारे ही पिस्तौल की गोली से हुआ है। इतने बरस साथ रहकर भी तुम मदनलाल को नहीं समझे? शंकर, चुपचाप लाश ले जाओ, वरना। वरना क्या करोगे? मेरा खून करोगे? नहीं, तुम्हारा खून नहीं, तुम्हारे अरमानों का खून। वो देखो। जहां हो वहीं खड़े रहो, अपनी जगह से हिलने की कोशिश करोगे तो वो लोग तुम्हारी बहन को खत्म कर देंगे। मदन लाल, तुम्हारे लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, इस लाश को गायब कर दो। और मेरी बहन? मुझे जब कल यकीन हो जाएगा कि तुमने मेरे हुक्म की तामील की है, तुम्हारी बहन तुम्हें मिल जाएगी। बेला, आओ।
जहां तक मेरा ख्याल है पुलिस में खबर करने की बात शंकर ने झूठ कही थी। फिर भी हमें यह जगह बदल देनी चाहिए। तुम लोग इस लड़की को लेकर मनोरी आइलैंड पर पहुंच जाओ। यस अच्छा बेला, तुम कल सुबह ऑफिस में मेरा इंतजार करना। गलत हो गया, रेखा घर में नहीं, पता नहीं कहाँ चली गई। रेखा यही है और मदन के कब्जे में। तुम यहाँ रुको और उसका ख्याल करो। हाँ मैं अभी आता हूँ। देखो वो लोग उसे बाहर न ले जाए। अच्छी बात है। अंदर ले जाओ। ड्राइवर गाड़ी ले जाओ। गुड मॉर्निंग। आधा बजे आखिर आपने समझ ही लिया तो मैं चलिए। ये कौन है? मेरा नाम माधव। चीफ ये गाड़ी के पीछे बैठा हुआ था, इसको ले जाके बंद करो। इनको पास तो पेट रूम में ले जाओ। यस सर चलो। ये बैग गाड़ी में। जी बॉस। भाई साहब अभी अभी शंकर का टेलीफोन आया था। शंकर का टेलीफोन? जी हाँ, उसने कहा कि जग्गू की लाश उसने ठिकाने लगा दी। कौन जग्गू? कल जब मैं भाई साहब उसके पास गया था तो शंकर ने और भी बातें बताई। उसने कहा कि ट्रेन से हीरे चुराने वाला शंकर तो जरूर था, लेकिन उसने ये सब आपके कहने से किया था और आज तक उसने जितने भी काम किए हैं सब आपके इशारे पे किए। और तुमने उसकी बात का यकीन कर लिया? जी नहीं भाई साहब, मैंने उसका यकीन नहीं किया। वैसे कहने को तो और भी बहुत कुछ कह रहा था। कह रहा था कि जग्गू का खून आपने किया, रेखा आपके कब्जे में है। विजय मेरे पास शंकर की बकवास सुनने के लिए वक्त नहीं है, मुझे ऑफिस जाना है। तुम इसे आप जानते हैं भाई साहब? ये कहता है कि ये भी आपका नौकर है और वर्सोवा के बंगले पे जहां आपकी वो बेला रहती है चौकीदार है। विजय मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, मैंने इस आदमी को कभी नहीं देखा। देखो से अब हम झूठ नहीं बोलेगा। शंकर ने हमको ईमान का कसम दिलाया है, ईमान का। हम पूरा काम बिल्कुल छोड़ दिया है। अब हमारा जान भी जाएगा तो भी हम यही बोलेगा, तुम एक बहुत बड़ा गुंडा है, गुंडा। विजय मदन ये क्या हुआ? विजय विजय लाश को रास्ते से हटा दो। भाई साहब अब आपको मेरी लाश पर सोकर जाना होगा। विजय बेटा हट जाओ। मां तुम्हारा बेटा नहीं लेकिन मेरा भाई जरूर है। हम दोनों की रगों में एक ही बात का खून दौड़ रहा है। रुक जाओ विजय वरना गोली मार दूंगा। ये क्या कर रहे हो? मदन जाओ। मदन बेटा
तुम जल्दी से पुलिस को फोन करो। नहीं विजय। माँ मैं कहता हूँ जल्दी करो। विजय। स्टेशन। हेलो। हट जाओ मदन। मादी। हट जाओ। बहन को वापस लेने आया हूं। अब तुम्हें रेखा वापस नहीं मिलेगी। बेला की मौत से मेरी जिंदगी में जो कमी पैदा हो गई है उसे अब रेखा पूरा करेगी। बस अब तक नहीं है। चीफ, कल वाले कैदी को मालूम नहीं क्या हुआ, फर्श पे ऐसे गिरा जैसे वो मर गया हो। दरवाजा खोल कर देखो, अगर मर गया हो उठाकर बाहर फेंक दो। देखो, शंकर और मेरा छोटा भाई विजय मेरा पीछा कर रहे हैं, उन्हें यहां आने दो। जब वो दोनों अंदर आ जाए तो लड़की कहां? आपके प्राइवेट कमरे में। बी केयरफुल। ओके। बस
मैं पूछ सकती हूँ कि मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? इसलिए कि आखिरी फैसला यही होगा। शंकर और विजय भी यहाँ आ रहे हैं। मैं समझे नहीं। उनको आ जाने दो, सब समझ में आ जाएगा। लाइए मैं आपके हाथ खोल दूंगा। रेखा भाई के पास हमेशा नहीं रहा करती। वो हमें वहीं से आशीर्वाद दे देंगे। सॉरी विजय, अब मैं रेखा से शादी कर रहा हूं। क्या कहा बदमाश? कोई हिंदुस्तानी लड़की अपने होने वाले पति से ऐसी बातें नहीं करती। छोड़ दो। तुम जाके डायनामाइट का स्विच ऑन कर दो। ओके बॉस। चलो भैया, चलो विजय भैया, चलो।
अब शोर मचाने से क्या फायदा, तुम्हारे भैया और विजय की किस्मतों का फैसला तो हो चुका। रेखा रुक जाओ, डायनामाइट लगा हुआ। रेखा रेखा तू यहाँ क्यों आई, चली जाए यहाँ से, चल जल्दी कर। अच्छा मुझे तो बोलो। अरे साबा साबा अभी बम फूटने वाले हैं, जल्दी कर, बम फूट जाएगा। अरे उस्ताद पहले बाहर भाग तू, चलो। तो बच निकले, अब कहां जाओगे? छोड़ दो मुझे।
शंकर, अगर तुम अपनी जान पर खेलकर मदनलाल का पीछा न कर तो शायद ये फिर भाग जाए। लेकिन शंकर, आगे न कहिए इंस्पेक्टर साहब, एक गुंडे को उसके किए की सजा मिल गई मगर दूसरा गुंडा अभी बाकी। तू रोती क्यों है पगली? तेरा गुंडा भाई जा रहा है और एक शरीफ भाई बनकर वापस। इंस्पेक्टर, इनको हॉस्पिटल ले चलो। विजय, मैं रेखा को तुम्हारे सुपुर्द करता हूं, इसका ख्याल रखना। कहते